एक फनकार। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। ऐसा कोई फनकार मुकम्मल नहीं आया, नगमों का बरसता हुआ बादल नहीं आया। मौसिकी के माहिर तो बहुत आए, मगर दुनिया में कोई दूसरा सैगल नहीं आया। दोस्तों, कल यानी 11 अप्रैल को अमर गायक कुंदनलाल सहगल का जन्मदिवस है और मैं ईशा आज का एक फनकार कार्यक्रम सादर समर्पित कर रही हूं इस महान गायक के चरणों में। ये वही कुंदनलाल सहगल हैं जिन्हें आदर्श माना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, तलत महमूद और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों ने। लता मंगेशकर, जो कि बचपन से ही उनकी जबरदस्त फैन रही, आज भी अपनी गायकी पर सहगल साहब के असर को महसूस करती हैं। मोहम्मद रफी, जो आज लाखों दिलों की धड़कन हैं, वे आखिर तक अपने आप को खुशकिस्मत मानते रहे कि 13 साल की छोटी उम्र में उनका गाया गीत सुनकर खुद सहगल साहब ने उन्हें महान गायक बनने का आशीर्वाद दिया और बाद में सहगल साहब के साथ शाहजहां फिल्म में रूही रूही गीत में उनके साथ एक लाइन रिकॉर्ड करने का उनको मौका मिला। मुकेश और किशोर कुमार की गायकी पर उनके शुरुआती दौर में सहगल साहब की गायकी का असर साफ नजर आता है। ऐसे हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार और अमर गायक कुंदनलाल सहगल का जन्म हुआ जम्मू में 11 अप्रैल 1904 को। पिता अमरचंद सहगल जम्मू कश्मीर के राजा के दरबार में तहसीलदार थे और मां केसरबाई गृहिणी थीं, जिन्हें संगीत में बड़ी रुचि थी। नन्हे कुंदन को साथ लेकर वे भजन कीर्तन सुनने जाया करती थी। कुंदन को संगीत सुनने में बड़ा आनंद मिलता। पढ़ाई में उनकी खास कोई रुचि नहीं थी तो नौकर को चकमा देकर स्कूल से भाग जाया करते और जहां कहीं भी संगीत के सुर लहरा रहे होते वहां पाए जाते। डोगरी लोकगीत सुनने में उनको बड़ा आनंद मिलता। संगीत के मामले में उनकी याददाश्त भी बड़ी तेज थी। जो भी गीत उनको पसंद आ जाए उन्हें याद करके ठीक वैसे ही गा देते थे। उनके घर के पास एक तवायफ रहा करती थी जो बहुत मीठा गाती थी। सहगल दूर से उनका गाना सुना करते थे और उसे गुनगुनाते थे। उस तवायफ का गाया हुआ एक गीत उनको इतना भा गया था कि उन्होंने वही गाना बाद में रिकॉर्ड भी किया था। यूं तो ये एक गैर फिल्मी गीत था, पर बाद में 1955 में बीएन सरकार ने सहगल साहब के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमर सहगल बनाई थी, जिसमें इस गीत को भी शामिल किया गया था, जो कि फिल्माया गया था जी मुंगेरी पर, जिन्होंने सहगल का रोल निभाया था। ये जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे इसी फिल्म से है। कौन भावे होना, कौन पुछावे? कौन पुछावे दामाए ये दामा हो, कौन पुछावे? तपत मोरे मन की हो रहा, तपत मोरे मन के राम, तपत मरे मन की राम हो, कौन बुझावे?
लागी लागी याद लगन की हाय राम राम हो राम कौन बुझावे कौन बुझावे तपत मोरे मन की राम तपत मोरे मन के राम कौन बुझावे प्रीतम गया विदेश सखी कहो का से कहूं मन की बतिया रहा अगन हूँ क्यों मन मोराए अब कौन करे शीतल कटिया दामा कौन बुझावे अरे बुझावे तपत तुमरे मन के रामा हो कौन बुझावे बुझावे हो रामा कौन बुझावे। संगीत प्रेमी सैगल पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए और कभी रेलवे में टाइमकीपर की नौकरी की तो कभी रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया। 23 अप्रैल 1939 के दिन बंबई के गुजराती साप्ताहिक बेघड़ी मौज में छपे सैगल के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वे इस क्षेत्र की तरफ कैसे आकर्षित हुए तो उनका कहना था, सच कहूं तो मुझे कभी इसका आकर्षण नहीं हुआ, मुझे घसीटा गया था ऐसा भी कह सकता हूं। सन 1930 में बतौर रिप्रेजेंटेटिव रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में मैं कलकत्ते आया। उस वक्त मिस्टर सरकार से मेरी ऐसे ही मुलाकात हुई। हम मिले तब वे एक फिल्म कंपनी निकालने की सोच रहे थे, मशीनरी के ऑर्डर दिए जा चुके थे, सिर्फ स्टूडियो तैयार नहीं हुआ था। एक दिन मिस्टर सरकार, मिस्टर हाफिज, मिस्टर काजी और मिस्टर पंकज मलिक संगीत की चर्चा कर रहे थे। मुझ में बचपन से ही गाने की लगन है ऐसा कहना ठीक होगा। जब कभी फुर्सत मिले तो मेरी जबान पर कोई गीत या धुन रहती थी। मेरे ऐसे स्वभाव के बारे में ये लोग जानते थे, इसलिए चर्चा पूरी होने के बाद उन्होंने मुझे नई कंपनी में आने का ऑफर दिया। क्या मालूम क्यों, लेकिन उस वक्त मैं उनकी कंपनी में बतौर एक्टर जाने के लिए राजी नहीं था। बाद में उन्होंने मुझे बहुत समझाया, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, तब जाकर मैंने उनकी बात मानी। लेकिन शुरुआती दिनों में मुझे काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्योंकि मेरे माता पिता बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में जाऊं। फिर भी मैं इस दिशा में दाखिल हो ही गया। दोस्तों, सैगल का फिल्म इंडस्ट्री में आना फिल्म इंडस्ट्री की खुशकिस्मती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी गायकी के जोर पर फिल्म संगीत को नया आयाम दिया था। यूं कहिए कि फिल्मी गीतों के इतिहास की उन्होंने मजबूत बुनियाद रखी। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। पहले सुनते हैं कुंदनलाल सैगल की आवाज में हिंदुस्तान ग्रामोफोन कंपनी के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका पहला गैर फिल्मी गीत, जिसके बोल हैं झुलना झुलाओ। ये भी एक गैर फिल्मी गीत ही है, पर इसे भी अमर सैगल फिल्म में शामिल किया गया था। Ah
जैसा कि मैंने बताया, कुंदन लाल सहगल जुड़ गए बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जहां उन्हें हर महीने 200 रुपए की तनख्वाह दिया जाना तय हुआ। न्यू थिएटर्स के लिए उनकी पहली फिल्म थी 1932 में रिलीज हुई मोहब्बत के आंसू। उसी साल सुबह का सितारा और जिंदा लाश नाम की फिल्में भी रिलीज हुई, हालांकि इनमें से एक भी फिल्म नहीं चली। फिर आई 1933 में फिल्म यहूदी की लड़की, जिसके गीत काफी मशहूर हुए। इस फिल्म में उन्होंने गालिब की एक गजल गाई थी, नुक्ताची है गमे दिल, जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं पंकज मलिक की संगीतबद्ध की हुई ये गजल। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ, बात बनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ, बात बनाए ना बने। मैं बुलाता तो हूँ जज़्बाए दिल मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर है जज़्बाए दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये ना बने, उससे बन जाए कुछ है सी के बिना ये ना बने। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए बोझ वो सर से गिरा, बोझ वो सर से गिरा उठाए ना उठे, काम वो आन पड़ा है के बनाए ना बने, काम वो आन पड़ा है के बनाए ना बने। नुक्ताची है गम दिल,
उसको सुनाया जाए। इश्क पर जोर नहीं, लगाए न लगे के लगाए न लगे और बुझाए न बने के लगाए न लगे और बुझाए न बने। नुक्ता सी है गम दिल उसको सुनाए। यहूदी की लड़की के अलावा चंडीदास, पूरन भगत और कारवाने हयात जैसी फिल्में भी चली। उनके गीत घर घर में गूंजने लगे। लता जी जब छोटी थी तब उन्होंने चंडीदास फिल्म देखी और उसमें सैगल साहब के गाए गीत उनको इतने पसंद आए कि उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि बड़ी होकर वे उनसे ही शादी करेंगे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का कुंदन लाल सैगल और उमा शशि की आवाज में गाया गया और आरसी बोराल के संगीत से सजा ये मशहूर गीत, प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार। प्रेम सखा हो प्रेम परानी, प्रेम में सुख का सा, प्रेम में सुख का सा। प्रेम सखा हो प्रेम परानी, प्रेम में सुख का सा, प्रेम में सुख का सा। प्रेम के संग बिताएंगे जीवन, प्रेम के संग बिताएंगे जीवन, प्रेम ही प्राण आधार। प्रेम के संग बिताए जीवन, प्रेम के संग बिताएंगे जीवन, प्रेम ही प्राण आधार। प्रेम सुधा से स्नान करूंगी, प्रेम से होगा सिंगार, कर्म है प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत्य विचार, प्रेम ही सत्य विचार। प्रेम ही कर्म है प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत्य विचार, प्रेम ही सत्य विचार। चंडीदास के बाद आई वो फिल्म जिसने सैगल को अपनी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वो फिल्म थी 1935 में रिलीज हुई देवदास, जिसके दिग्दर्शक थे पीसी बरुआ और ये फिल्म थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की नवल कथा पर आधारित। इस फिल्म के गीत बालम आए बसो मोरे मन में और दुख के अब दिन बीतत नाही बड़े मशहूर हुए थे। लोग इस फिल्म के इस कदर दीवाने हो गए थे कि यही समझने लगे कि सैगल सच में देवदास जैसी जिंदगी जीते हैं। जब इसके बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि लोगों को फिल्म में उनकी अदाकारी बहुत पसंद आई है, लेकिन वे देवदास की तरह अपनी जिंदगी को जुआ मानकर नहीं चलते, ना ही उसके जैसी अनिश्चित और अस्थिर जिंदगी जीते हैं। औरों की तरह वे भी एक गृहस्थ हैं और अपने परिवार के साथ सुख चैन से जिंदगी बिताते हैं। इस फिल्म में सैगल साहब ने एक ठुमरी गाई थी,
पिया बिन नाही आवत चैन, जो मैं अब आपको सुनवा रही हूँ। एक दिन सैगल उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का प्रोग्राम देखने चले गए, जहाँ खान साहब ने ये ठुमरी गई थी। दूसरे दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे वही ठुमरी उन्होंने ठीक उसी तरह से गाई। बाद में इसे उन्होंने देवदास फिल्म के लिए गाया। अब खान साहब, जो कभी फिल्मों के लिए नहीं गाते थे, उनसे पूछा जाने लगा कि उन्होंने देवदास में ठुमरी क्यों गाई। खान साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ और पुणे में वे देवदास देखने चले गए और सैगल के गायकी ने उन्हें बड़ा प्रभावित किया। जब वे कलकत्ता गए तब उनकी मुलाकात सैगल से हुई। उन्होंने कहा कि जो समा बांधने के लिए उन्हें आधा घंटा लगता है, उसे सैगल ने 2 मिनट में कैसे बांध दिया। उन्होंने बड़े खुश होकर सैगल को 100 रुपए का पुरस्कार भी आशीर्वाद के रूप में दिया। आइए सुनते हैं देवदास फिल्म की यही ठुमरी। चलो। मैं यहाँ बड़े मजे में हूँ। क्या तुम शराब पियोगे? शराब जरूर पीऊंगा। अरे वाह रे मेरे हमदर्द, वाह वाह वाह, जरूर पीऊंगा शराब। प्यारी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? हाँ पहचानती हूँ। कैसे कहूँ पीके Thank you.
न्यू थिएटर्स के साथ काम करते हुए सैगल बांग्ला फिल्मों में भी काम करने लगे, जिसमें उन्हें रविंद्र संगीत गाने का मौका मिला। इसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की परमिशन लेना भी जरूरी था। गुरुदेव ने सैगल को सुना और मंत्रमुग्ध हो गए। रविंद्र संगीत गाने वाले सैगल पहले ऐसे शख्स बने जो बंगाली नहीं थे। न्यू थिएटर्स के साथ उन्होंने 1937 में प्रेसिडेंट, 1938 में धरती माता और स्ट्रीट सिंगर, 1939 में दुश्मन और 1940 में जिंदगी जैसी फिल्में की, जिसमें उनकी भूमिका मुख्य रही और गाने भी बड़े मशहूर हुए। आइए सुनते हैं जिंदगी फिल्म की एक खूबसूरत लोरी, जिसे आज भी लोग गुनगुनाते हैं। सो जा राजकुमारी सो जा, कितना प्यार और दुलार छलक रहा है इसमें। लीजिए आप भी सुनिए पंकज मलिक की स्वरबद्ध की हुई और केदार शर्मा की लिखी हुई ये लोरी। थिएटर्स की फिल्मों की कामयाबी के चलते उन्हें मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से बुलावा आने लगा और दिसंबर 1941 में वे बंबई आ गए और रंजीत मूवीटोन के साथ जुड़ गए, जहां उन्होंने 1942 में एक फिल्म की भक्त सूरदास, जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। फिर वो रैन गई अब हुआ सवेरा हो या मधुकर शाम हमारे चोर हो। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भावों से भरपूर इन गीतों में से एक गीत अब मैं आपको सुनवा रही हूं, जिसे लिखा है डीएन मधोक ने और तर्ज बनाई ज्ञान दत्त ने। गीत के बोल हैं, कदम चले आगे मन पाछे भागे, एक भक्त की मनोदशा को सैगल से बेहतर और कौन गा सकता है। सुनिए ये गीत। चले आगे मन पाछे भागे, कदम चले आगे मन पाछे भागे, ऐसा है ये जाल मोह का
कैसे पक्के धागे मन पाछे भागे कदम चले आगे मन पाछे भागे मैं बिसराऊं वो याद आए मैं बिसराऊं वो याद आए साथ साथ उनके परछाए मैं बिसराऊं वो याद आए साथ साथ उनके परछाए कैसे उनसे आँख चुराए कैसे उनसे आँख चुराए जिनसे नैना लागे मन पाछे भागे कदम चले आगे मन पाछे भागे मोरे मंदिर प्रभु तुम बस जाओ मोरे मंदिर प्रभु तुम बस जाओ मन से चिंता मोह छुड़ाओ मोरे मंदिर प्रभु तुम बस जाओ मन से चिंता मोह छुड़ाओ मुरली पर यही तेर सुनाओ मुरली पर यही तेर सुनाओ वही सवेरा जहाँ जाके मन पाछे भागे कदम चले आगे मन पाछे भागे। सैगल ने शास्त्रीय संगीत की तालीम नहीं ली थी। जब उनकी मुलाकात उस्ताद फैयाज खान साहब से हुई तो उन्होंने सैगल से उनके गुरु का नाम पूछा। जब उन्होंने कहा उनके कोई गुरु नहीं है तो खान साहब ने कहा गुरु होना तो बहुत जरूरी है। सैगल साहब ने कहा तो फिर आप ही मेरे गुरु बन जाइए और उनसे गंडा बंधवा लिया। अब गुरु तो बना लिया खान साहब को, पर खान साहब थे कि कुछ भी सिखा नहीं रहे थे। आखिरकार सैगल ने कहा खान साहब मुझे कुछ तो सिखाइए। खान साहब ने कहा तुम तो ऊपर से ही सीख कर आए हो, तुम्हें भला कौन कुछ सिखा सकता है। और यही वजह थी कि जब 1943 में तानसेन फिल्म आई तो उसके हीरो थे कुंदन लाल सहगल। खेमचंद प्रकाश की तर्ज में पंडित इंद्र के लिखे गीत मोरे बालापन के साथी, जो कि उन्होंने खुर्शीद के साथ गाया था, रुम झुम चाल तिहारी, दिया जलाओ जगमग जगमग, बाग लगा दूं सजनी, ये सारे गीत बहुत ही मशहूर हुए थे। पर आज इस फिल्म का जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूं वो एक ध्रुपद है। ध्रुपद गाते समय सुर पक्के लगने बहुत जरूरी हैं। इस ध्रुपद को उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया है कि लगता ही नहीं कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत की तालीम कभी ली ही नहीं होगी। आइए सुनते हैं तानसेन फिल्म का ये ध्रुपद सप्त सुर तीन ग्राम गाओ सब गुणी जन। सोना
साधो मन रे अपने रब को जान गान तजो कुमार गान तजो कुमार मध्यम मोक्ष पावो सुरन तीन काम काबो सब गुणी जन एक समूर छना मन तान को मिलाबो और संकीर्ण सुर संपूर्ण राग भेद और संकीर्ण सुर संपूर्ण राग भेद अलंकार भूषण पर राग को सजाबो ...1944 में सैगल न्यू थिएटर्स वापस गए अपनी अधूरी छोड़ी हुई फिल्म माय सिस्टर को पूरा करने। इस फिल्म के गीत दो नैना मतवारे तिहारे और एक कातिबे तकदीर ने धूम मचा दी। इस दौरान शराब ने सैगल को अपने शिकंजे में ले लिया था। उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी, फिर भी उस दौरान की उनकी फिल्म भंवरा के गीत दिया जिसने दिल लुट गया वो बेचारा और ठुकरा रही है दुनिया मशहूर हुए। 1946 में उन्होंने उमर खयाम फिल्म की और 1946 में ही नौशाद के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म शाहजहां जिसके गीत सुपरहिट हुए। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत जिसे लिखा था खुमार बाराबंकवी ने। चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, रोते रोते ही कटेगी हमें मालूम न था, रोते ही कटेगी हमें मालूम न था। माँ तभी हम पे हंसेगी हमें मालूम न था, जिंदगी रोग बनेगी हमें
मालूम न था जिंदगी रोग बनेगी हमें मालूम न था चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था घोर घटा चांद सितारे न रहे वो उम्मीद न रही अब वो सहारे न रहे घर तो घर ही थे वो भी हमारे न रहे हम पे ऐसी भी पड़ेगी हमें मालूम न था हम पे ऐसी भी पड़ेगी हमें मालूम न था चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था। कुंदनलाल सहगल जितने उम्दा गायक थे उतने ही उम्दा इंसान भी थे। राह चलते भी कभी किसी को तकलीफ में देखते फौरन उनकी मदद करते। कलकत्ते में हारमोनियम लेकर हरिजनों की बस्ती में पहुंच जाते उनको गाना सुनाने के लिए और उनके चेहरे की खुशी में ही अपना पुरस्कार पा लेते। सिर्फ एक बुरी आदत थी उनको कि वे शराब बहुत पीते थे जिसके चलते वे बीमार रहने लगे। 1947 में परवाना फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और आराम करने के लिए वे जलंधर चले गए ये कहकर कि वापस आकर फिल्म पूरी करेंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सहगल कभी वापस नहीं आ पाए, उनका गीत अधूरा ही रह गया। 18 जनवरी 1947 को सिर्फ 42 साल की कम उम्र में फिल्म आकाश का यह सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया और परिवर्तित हो गया उस ध्रुव तारा में जिसने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने की राह दिखाई। सुनते हैं स्ट्रीट सिंगर फिल्म का ये सुप्रसिद्ध विदाई गीत जिसके बिना हमारा ये कार्यक्रम अधूरा ही रह जाता। कहते हैं कि अगर सहगल ने ये एक ही गीत भी गाया होता तो भी वे अमर हो जाते। ऐसा गीत जिसके बारे में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका किशोरी आमोनकर जी, जो कि आमतौर पर फिल्मी गीतों को नापसंद करती थी, उन्होंने कहा था कि ये गीत सहगल की तरह गाना किसी के बस की बात नहीं। जी हाँ, प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की रचना सहगल की आवाज में, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। ये गीत सहगल के आग्रह पर लाइव रिकॉर्ड किया गया था जबकि उस जमाने में प्लेबैक सिंगिंग शुरू हो चुका था। 15 साल के करियर में सहगल ने कुल 36 फिल्मों में काम किया था जिसमें 28 हिंदी, 7 बांग्ला और 1 तमिल में बनी थी। उन्होंने दुलारी बीवी नाम की छोटी सी कॉमेडी हिंदी फिल्म में भी काम किया था जो कि 1933 में रिलीज हुई थी। उन्होंने कुल 185 गीत गाए जिसमें 142 फिल्म सॉन्ग्स और 43 नॉन फिल्म सॉन्ग्स शामिल थे। उन्होंने भले ही हजारों की तादाद में गीत नहीं गाए पर जो भी गीत गाए दिल से गाए और उसमें अपनी संवेदना के जरिए जान डाल दी, और यही वजह है कि सहगल बरसों बाद भी अपनी आवाज के जरिए हमारे दिलों पर छाए हुए हैं। ऐसे अमर गायक कुंदनलाल सहगल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ईशा आपसे विदा लेती हूँ इस विदाई गीत के साथ। नमस्कार। नैहर छूटो है जाए,
बाबुल मरा नैहर छूटा जाए मोदाए नैहर छूटो ही जाए चार कहार मिले मोरी डोलिया सजा में मोराए अपना बेगाना छूट जाए मोरा नैहर छूट ही जाए अंगना तो पर्वत भया और देरी भई विदे ले घर बाबुलिया पुनो मैं चली पिया के दे बाबुल मोरा नैहर छूट जाए मोराए नैहर आपने मकान ठीक किया है तो? हाँ। तो जरा ठहरिए मैं भूला से कह रहा हूँ कि मैं उनके घर में नहीं रहूंगी मैं आपके साथ कहीं दूर चली जाऊंगी भुलवा भुला तलाश भी करे तो ना पा सके बाबुल मोरा